हाय, मेरा नाम है रमाकांत बनर्जी और मैं हूँ एक 53 साल का भारतीय जो कि दादी के नुस्खे तैयार कर करके खुद अब बूढ़ा हो गया है दादी की उम्र का, लेकिन अभी भी उसका विश्वास इनमें ज़रूर कायम है। और आपका स्वागत है आज हमारे चैनल में जिसका नाम है सरल सफल नुस्खे। तो एक ऐसी बात है जो हमारी फैमिली की जीन्स में है, वो है बालों का सफ़ेद होना। बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन मैं उसका एक्सेप्शन हूँ। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, ये इंसान 53 साल का होके भी इतने अच्छे काले बाल कैसे रख सकता है? उसका जवाब ये है कि मैं अपनाता हूँ दादी के नुस्खे टैं टैं टैं। तो आज आपको एक सिंपल सा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इसको करने के लिए आपको चाहिए पानी और चाय पत्ती। चाय पत्ती के फायदे होते हैं बालों के लिए, हेयर लॉस को रोकता है, हेयर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, शाइन लाता है, लस्टर आपके बालों का अच्छा करता है। तो अब बढ़ते हैं हम प्रोसीजर की तरफ, करना क्या है। सबसे पहले पानी में 2 चम्मच चाय पत्ती उबालेंगे, जैसे कि हम चाय बनाने जा रहे हैं। किसी को बताना नहीं है, ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि चाय बनाने जा रहे हो, लेकिन फिर एकदम से हम अपना रास्ता बदल लेंगे। उसके बाद इसको उबालना है, पानी को उबलने दें। तो देखो, अभी आप देख पा रहे हो कैसे ये पानी उबल रहा है, जैसे जैसे चाय पत्ती का रंग पानी के अंदर घुलता जा रहा है। हमको इसको अब रोक देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद हम इसको, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें डालेंगे, और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो हल्का हल्का तेल की तरह हाथ से लेकर लगाएंगे, लेकिन वो मैं आपको अभी चंद ही क्षणों में दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो लीजिए, हमारा चाय पत्ती का जो पानी है वो अब ठंडा हो चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस इसको अप्लाई कैसे करना है अपने बालों पर। तो इस सबसे पहले मैं इसको छान लेता हूँ। आपको समझ आना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि चाय पत्ती के पानी में कलर आना चाहिए, क्योंकि यही जो पानी है ये आपके बालों को कलर देने का काम करेगा। ये तरीका परमानेंट ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा टेम्प्रेरी तरीका है। अगर आप परसों शादी में जा रहे हों या फिर आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो, इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो और आपको प्रेजेंटेबल दिखना हो, तो उसके लिए ये तरीका ज़्यादा कारगर साबित होता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं अपने असिस्टेंट से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना बड़ा सा सिर लेकर यहाँ पर आए और इसके नीचे लेट जाए। तो लीजिए, हमारे असिस्टेंट बहुत ही काम करने में बहुत ही मुस्तैद हैं और ये आ गए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको लगाना कैसे। इसको ऐसे उंगलियों में ऐसे थोड़ा सा लेकर यहाँ पे बालों में अच्छे से स्कैल्प के अंदर तक जाना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इससे इनके बाल काले तो रहेंगे ही, साथ साथ में इनके बाल को एक बहुत अच्छी शाइन मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते होंगे कैमरे में अपने अपनी स्क्रीन पे, माफ़ी चाहता हूँ। और ये कितनी अच्छी शाइन कर रहे हैं बाल। इसी तरीके से करके आपको इसको 1 से 2 घंटे तक लगाना है, इससे आपके बाल काले हो जाएंगे। और फिर ध्यान रखने वाली बात, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसको उसके बाद शैम्पू नहीं करना है। अब मैं अपने असिस्टेंट को कहूँगा कि यहाँ से जाए और शैम्पू नहीं करना है। तो लीजिए, ये है हमारा चाय पत्ती से हेयर डाई करने का सरल और सफल नुस्खा। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा हो या फिर मेरे असिस्टेंट के बाल अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा सी भी देर ना करें। धन्यवाद।